खबरों की शुरुआत सेना से जुड़ी खबर से करते हैं। नोएडा में देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। नोएडा में जल्द कंपनियों के लिए जापानी और कोरियन शहर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बसाया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के केंद्र के रूप में काम करेगा। कोरिया और जापानी कंपनी अपनी यूनिट्स सेटअप करेंगी। भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी अडानी। डिफेंस की दो फैक्ट्रियां कानपुर में लगाई गई हैं, जिसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सीएम योगी ने कहा कि जहां पहले तमंचे लहराते थे, अब वहां हाथों में लैपटॉप हैं। सचिन तेंदुलकर इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सचिन तेंदुलकर ने श्रीनगर के डल झील पर पहुंचकर वहां पर सितार बजाते कलाकार का सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि डल झील पर कभी भी नीरस क्षण नहीं आता। हैदराबाद पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का अनोखा स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेंद्र पटेल की आरती उतारी। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल ने सभा को भी संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन की तरह तमाम कदम उठा रही है। जहां जिला प्रशासन ने पुंछ में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां प्रशासन लोगों की परेशानी को सुना और उससे जल्द निपटारा करने का आश्वासन भी दिया। अरुणाचल प्रदेश में धूमधाम से पारंपरिक त्योहार न्योकुम पर्व को मनाया गया। इस पर्व को खेती से जुड़ा माना जाता है। इसकी मान्यता है कि न्योकुम के दिन आदिवासी अपने देवी देवताओं से फसलों के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं। साउथ दिल्ली में फिल्म आर्टिकल 370 की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने मूवी देखी। वहीं नेताओं ने फिल्म देखने से पहले जय श्री राम के नायका जयकारे लगाया। ठीक है जी, ऐसे मत करो भाई। इटली के सिसिली तट पर भूमध्य सागर में नेटू का पनडुब्बी अभ्यास शुरू हो गया, जहां डायनामिक मंटा 24 नामक अभ्यास में ग्रीस, फ्रांस, इटली, स्पेन, तुर्की और अमेरिका की पनडुब्बी शामिल हैं। वहीं बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने भी हिस्सा लिया। पेरिस का एफिल टावर 6 दिन की हड़ताल के बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों और एफिल टावर को ऑपरेट करने वाले ने हड़ताल कर दिया था, और इसके बाद कंपनी एसीटी के बीच समझौता हुआ और फिर पर्यटकों के लिए इसको खोल दिया गया है।